चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। तो दोस्तों, आज भी बहुत ही अच्छे अच्छे टेक न्यूज़ आई है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बजे ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल के जो एयरपॉड्स है फ्रेंड्स, वो उन्होंने उसके अंदर क्या किया है, जो टच सेंसर था वो निकाल के उन्होंने अभी डिटेक्शन लगा दिया, यानी फोर्स डिटेक्शन होता है वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो कंट्रोल करने के लिए। ठीक है मैं, जो भी आप जैसे यूज़ करोगे उसके अंदर, तो वो कंट्रोल करने के लिए आप फोर्स डिटेक्शन आप उसके अंदर यूज़ कर पाओगे। ठीक है मैं, तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो देखेंगे जब भी ये होता है फ्रेंड्स, अगर ये एयरपॉड्स के अंदर तो जब भी ये अपडेट आते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही, इन्फिनिक्स अपने बजट फोन्स के लिए बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। तो अभी वो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स अभी वो मिड रेंज के जो फ्लैगशिप फोन है मिड रेंज के, वो अभी लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है इन्फिनिक्स 08 के नाम से। ठीक है, उसके जो स्पेसिफिकेशन बाहर आ गए उसके अंदर आपको 6.85 इंचेस की आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है उसके अंदर। साथ साथ उसके अंदर आपको पंच होल में आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। साथ साथ फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है, और उसके साथ आपको 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। साथ साथ इसके अंदर जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स, वो भी आपको गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ इसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो इसके अंदर आपको जो कैमरास मिलते हैं वो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का और एक सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। ठीक है, वाइड एंगल जो होता है, साथ साथ उसके अंदर डेप्थ सेंसर और एक अल्ट्रा नाइट वीडियो कैमरा मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। और साथ साथ इसके अंदर आपको फ्रंट में आपको 48 मेगापिक्सल का आपको पंच होल में कैमरा मिल जाता है, और एक दूसरा एक कैमरा मिल जाता है फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का, यानी कि आपको 6 कैमरे आपको इस मोबाइल के अंदर मिल जाते हैं। तो इसके अंदर साथ साथ आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, उसके साथ आपको 32 वॉट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स, अभी ये इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है, अभी इंडिया में आने का है। तो जब ये इंडिया में आता है तो कौन से प्राइस पे आता है, अभी तो ये जो इंडोनेशिया की प्राइस है वो फ्रेंड्स 19,200 पे बता रहे इंडोनेशिया में। ठीक है, जब अपने यहाँ पे आते हैं तो देखेंगे कौन से प्राइस पे आता है। तो होप्स हो कि ये अच्छे प्राइस पे आए। ठीक है, तो देखेंगे जब ये इंडिया में लॉन्च होता है तब पूरी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है आईफोन 12 की तरफ से। आईफोन का जो नया फोन लॉन्च होने वाला है, ठीक है, उसके कुछ लीक्स बाहर आ गए आईफोन 12 प्रो मैक्स के बारे में। उसके अंदर ऐसा बताया गया कि 6.7 इंचेस की ओलेड डिस्प्ले होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आईफोन 11 प्रो मैक्स है उससे थोड़ी बड़ा रहेगा फ्रेंड्स उसकी स्क्रीन। साथ साथ उसके अंदर जो डिस्प्ले की जो पिक्सल डेंसिटी है वो 460 PPI की होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है उसके अंदर। और साथ साथ जो आपका प्रोसेसर है वो उसके अंदर आपको A14 बायोनिक चिप मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो देखेंगे अगर बाकी के और कुछ अगर स्पेसिफिकेशन बाहर आते हैं तो आपको पता चली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स अगर ये हमारी टेक्निक अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस एक अपना नया वॉच लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो वॉच लिस्ट हो गई है IMDA सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो सकता है जो वन प्लस 8T लॉन्च होने वाला है उसके साथ ही ये वन प्लस वॉच लॉन्च होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे जब ये लॉन्च होते हैं दोनों भी तो आपको सब कुछ स्पेसिफिकेशन आपको पता चली जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है पोको की तरफ से। वैसे फ्रेंड्स, ये पोको ने आज एक क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने कुछ 4 इमेजेस दिए है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको अलग अलग कैमरा के मॉड्यूल्स दिए। ठीक है, अलग अलग कैमरा डिज़ाइन दिए, वहाँ से आपको चूज करना है कि कौन सा कैमरा डिज़ाइन जो सेटअप है वो डिज़ाइन वो कौन सा एक्चुअल रियल कौन सा है,
वो आपको आपको गेस करके बताएं। तो आप स्क्रीन पे जो फोटोज देख रहे हो उसके हिसाब से आप देखिए आपको कौन सा रियल लगता है, तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है Redmi 9i की तरफ से। उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो गए फ्रेंड्स। उसके अंदर आपको Android 10 का सपोर्ट मिल रहा है, साथ साथ उसके अंदर आपको हो सकता है MIUI 11 मिल सकता है या फिर MIUI 12 भी मिल सकता है। तो देखेंगे कौन सा आता है। तो उसके अंदर साथ साथ उसके अंदर आपको 6.53 इंचेस की आपको FHD+ डिस्प्ले मिलती है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स वो MediaTek का Helio G25 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, और इसके अंदर आपको 4 GB की रैम के साथ आपको ये मिल जाते हैं। साथ ही इसके अंदर जो कैमरा है उसके अंदर आपको 2 कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल और 1 5 मेगापिक्सल में आपको फ्रंट मिलता है। ठीक है, बैक साइड में दो कैमरा आपको मिलेंगे, हो सकता है डेप्थ मिल जाए या फिर माइक्रो भी मिल सकता है। और साथ ही इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो चार्जर है फ्रेंड्स वो सिर्फ 10 वॉट का आपको ट्रैवल अडेप्टर मिलता है। ठीक है, वैसे ये जो स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स ये Redmi 9A की तरह लग रहे हैं, तो हो सकता है वो उसी का रिब्रांडेड होके आ जाए। जैसे कि Redmi 9 जो है वो रिब्रांड हो, वो 9C का रिब्रांडेड वर्जन है, तो हो सकता है Redmi 9i जो है वो Redmi 9A का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है फ्रेंड्स। तो देखेंगे जब ये एक्चुअल में लॉन्च होता है तो पता चल ही जाएगा। वैसे फ्रेंड्स 31 अगस्त को Redmi 9 का सेल चालू होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से आप 31 अगस्त को जाके परचेज आप कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो एक फोल्डेबल फोन आने वाला था, ठीक है फ्रेंड्स, वो उसके कुछ उसका लॉन्च डेट सामने आ गया है। जो फोन लॉन्च होने वाला है वो है सैमसंग Galaxy Z Fold 2 के नाम से। वो 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स 1 सितंबर को और एक फोन लॉन्च होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कमेंट्स में वो कौन सा फोन है जो 1 सितंबर में लॉन्च होने वाला है, 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखेंगे जब ये Samsung Z Fold 2 जब लॉन्च हो रहा है 1 सितंबर को, तो कौन से प्राइस पे। वैसे फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख के ऊपर ही आ रही है, तो देखेंगे कौन से प्राइस पे आता है। जब ये इंडिया में लॉन्च होता है तब आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सोनी की तरफ से। सोनी का नया फोन है वो लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। उसका नाम है Sony Xperia 5 11 के नाम से। ठीक है, तो उसके कुछ रूमर्स आ गए फ्रेंड्स, जो स्पेसिफिक उसके कुछ रूमर्स आ गए। उसके अंदर आपको 6.1 इंचेस के आपको Full HD+ HDR OLED डिस्प्ले मिलता है। साथ साथ उसके अंदर आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो 240 Hz का टच सैम्पलिंग रेट देता है फ्रेंड्स। साथ साथ उसके अंदर वो प्रोसेसर जो होने वाला है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपको 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो अभी लेटेस्ट का प्रोसेसर है फ्रेंड्स। और उसके अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी का मिलता है। तो और साथ साथ उसके अंदर आपको एक्सपांडेबल आपको MicroSD कार्ड भी आपको मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा है फ्रेंड्स। वैसे फोन भी देखने को बहुत ही अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। उसके पीछे में 3 कैमरास दिख रहे हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स। तो जब ये लॉन्च होता है तब आपको सब कुछ पता चली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने अपना अंडर डिस्प्ले कैमरे का उन्होंने इन्वेंशन किया, यानी कि थर्ड जनरेशन का है फ्रेंड्स। इसके अंदर आप पूरी की पूरी स्क्रीन आप अपने यूज में ला सकते हो, और उसके पीछे वो स्क्रीन के पीछे आपका जो कैमरा है वो रहेगा, यानी कि आप कैमरा हाइड होके भी आप फोटो खींच पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। वैसे इनका जो मास प्रोडक्शन है शाओमी का अंडर डिस्प्ले कैमरे वाले फोन का, तो वो मास प्रोडक्शन चालू होने वाला है 2021 से। तो देखेंगे अगर ये किसी भी फोन पे आता है शाओमी के, तो आपका वैसे पता चली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज़। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।